व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम शुभम, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रिक, बहुत ही ज्यादा यूनिक ट्रिक, शायद यूट्यूब पे नहीं है, पता नहीं मुझे, मैंने रिसर्च नहीं किया है, मुझे बहुत ही कमाल की ट्रिक लगी है और मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको यूट्यूब पे सबसे अलग वीडियो लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी चैनल को और आपको भी अच्छा लगेगा, करके देखो अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मैं चैनल पर डेली वीडियोस डालता हूँ। थैंक यू सो मच। जी हाँ, बियर्ड ट्रिम कर दिए, थोड़े यंग लग रहे हैं, ज़्यादा बुढ़ा पा चुका था वीडियोस में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, मैंने चैनल पर एक वीडियो बनाई है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की, जो बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चे में चल रहा है। उसमें मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सेंसिबल एक वीडियो बनाई है कि क्या कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है और क्यों ये सब चल रहा है, क्या हो रहा है, सब बहुत सारे पॉइंट्स में मैंने बात की। अगर आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने में तो ये रहा आई बटन, इस वीडियो पर जाके इस वीडियो को देखो और वीडियो को शेयर जरूर करो। आई होप सबको पसंद आएगी, काफ़ी बड़ी वीडियो है, काफ़ी मेहनत लगी है मुझे इस वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखना अगर आपने नहीं देखी है तो, और अगर आपने देख लिए शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फटाफट से ना। हम सभी में से बहुत लोग यूट्यूबर्स हैं, अगर आप यूट्यूबर नहीं है तो वीडियो एडिटर हैं, और आपको बहुत बार सोचा होगा कि फ़ोन में कोई बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन चाहिए हमको जिसमें हम पीसी जैसी एडिटिंग कर सकें, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल भी हैं, लेकिन जब आप पीसी में जब एडिट करते हैं तो अपने पास माउस कीबोर्ड होता है और उसकी मदद से जो एडिटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है और काफ़ी ईजी हो जाता है एडिट करने के अंदर ना। अगर हम फ़ोन में एडिट करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा टच करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और वो सिर्फ दो उंगलियों से या करके थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है हमको। लेकिन आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल पीसी जैसे एडिटिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर विथ माउस एंड कीबोर्ड। तो आपको इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होगी, ऑब्वियसली माउस और कीबोर्ड चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चीज़ चाहिए होगी, ये अभी मैंने इस पर टेप लगा रखी है, इसको बोलते हैं OTG एडाप्टर। ये ऐसा भी आता है, केबल वाला भी आता है, तो मैं ऐसा वाला प्रीफर करूँगा, और आप केबल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। तो ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 20-30 रुपए का, कहीं कहीं 50 रुपए का भी लगता है, तो वो तो अब दुकान वाले के ऊपर है, आपका दुकान वाले के साथ व्यवहार कैसा है। और आपको एक USB स्प्लिटर चाहिए होगा जिससे आप माउस और कीबोर्ड दोनों एक साथ अपने फ़ोन के अंदर अटैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसा वाला है, आप कोई दूसरा सस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा USB पोर्ट्स है, आप दो या तीन USB पोर्ट्स वाले भी आ सकते हैं और फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं माउस और कीबोर्ड के साथ। ना आपने KineMaster एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, KineMaster कीबोर्ड और माउस ऐड कर सकते हैं। ना आपको लगा कीबोर्ड माउस ऐड करने में से माउस चलेगा, कीबोर्ड के शॉर्टकट पीसी जैसे कैसे यूज़ करेंगे, उसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। वीडियो को एंड तक देखो, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। KineMaster है, उन्होंने ओरिजिनली इस ऐप को ऐसा बनाया कि आप माउस और कीबोर्ड के साथ भी एडिट कर सकते हैं। और ये जो माउस कीबोर्ड वाला जो टॉपिक है वो ज्यादा इतना फेमस नहीं है कि इतने लोग ज्यादातर फोन में KineMaster को कीबोर्ड माउस से यूज नहीं करते हैं, लेकिन इन केस आपने कभी ट्राई किया, क्योंकि मैंने इसको एक ट्राई दिया और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैंने गूगल किया, मेरे पास बहुत सारे शॉर्टकट कीज है, इसलिए मैं आपको सारे शॉर्टकट बताऊंगा कि किससे क्या होता है। लेट्स गो, एडिट करते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है लेकिन मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आपके पास फोन है, गुड टू गो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या शॉर्टकट्स है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं। सबसे पहले आप नेविगेट कर सकते हैं किसी भी टैब को इन एरो कीज से, अप डाउन लेफ्ट राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम अप डाउन लेफ्ट राइट कोई भी की मैं प्रेस करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट खोलने के लिए आपका एक बहुत ही शॉर्टकट मिलता है, वो है न्यू प्रोजेक्ट का, होता है कंट्रोल एन, आप देख सकते हैं कंट्रोल एन से न्यू प्रोजेक्ट खुल चुका है। उसके बाद अगर आपको सेटिंग मेनू में जाना है तो आप कंट्रोल एस करके सेटिंग मेनू में जा सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ, तो सिंपली जैसे कि हर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, भले पीसी हो या कोई भी फोन हो, स्पेस बार से वीडियो प्ले होती है, स्पेस बार फिर से दबाने पे वीडियो पोज हो जाती है, बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है, सभी को पता है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी सेटिंग को इनेबल करना है तो आपको यहाँ पे एरो कीज से आप नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अप डाउन एरो कीज से, उसके बाद एंटर दबा के आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं किसी भी टॉगल को। नाउ अपन बढ़ते हैं एडिट के अंदर, एडिट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेस बार से प्ले और पोज होगा, उसके बाद अंडू करना है अगर आपको, और कंट्रोल जी, और रीडू करना है तो कंट्रोल वाई, जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। नेक्स्ट, अगर आपको टाइमलाइन को जूम करना है तो आप एक्स दबा सकते हैं, आप देख सकते हैं टाइमलाइन बड़ी हो चुकी है, टाइमलाइन को वापस छोटा करने के लिए आपको सी दबाना है। उसके बाद आपको किसी भी क्लिप को स्प्लिट करना है तो सिंपली एक शॉर्टकट है, वो है डी, आप देख सकते हैं जैसे मैं इस क्लिप को सेलेक्ट किया हुआ है और मेरा प्लेहेड यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डी दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं स्प्लिट हो चुका है। ना अगर आपका प्लेहेड यहाँ पर है, इसका जो प्रीवियस पार्ट आपको डिलीट करना है तो आपको एस दबाना है, अगर आपको प्लेहेड से जो राइट वाला पार्ट वो हटाना है उसके लिए आपको एफ दबाना होगा, तो आप देख सकते हैं प्लेहेड से राइट वाला पार्ट हट चुका है। ना अगर आपको किसी क्लिप को डिलीट करना है तो उसके लिए बैक स्पेस। ना अगर आपको प्लेहेड को 0.1 सेकंड फॉरवर्ड मूव करना है तो आपको शिफ्ट राइट एरो की दबाना है, और अगर आपको प्लेहेड को 0.1 सेकंड बैकवर्ड मूव करना है तो आपको शिफ्ट लेफ्ट एरो की दबाना होगा। अगर आपको प्लेहेड को 5 सेकंड आगे मूव करना है तो आपको कंट्रोल राइट एरो की, और अगर आपको 5 सेकंड बैकवर्ड मूव करना है तो आपको कंट्रोल लेफ्ट एरो की दबाना होगा। काफी अच्छे शॉर्टकट्स है इसके, मुझे काफी पसंद आया, इसकी वजह से आप एडिट बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। नाउ एडिट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आपका बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल ई, उससे आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप इसको प्ले स्टोर पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर वाटरमार्क मिलेगा। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो आपको प्रो वर्जन बाय करना होगा, अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए। सदस्य देखा सबने कितना अमेजिंग, कितना यूनिक तरीका है फोन में आप कीबोर्ड और माउस से एडिट कर सकते हैं, मुझे तो काफी कमाल की ट्रिक लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
गई है और इस एप्लीकेशन के जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स है उसकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स याद कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल से शॉर्टकट्स है। थोड़े बहुत कीबोर्ड शॉर्टकट्स थोड़े यूनिक है तो आप वो देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया। नाउ वीडियो खत्म होने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप फोन में प्रीमियर प्रो यूज करना चाहते हैं, पूरा प्रीमियर प्रो कीबोर्ड और माउस के साथ यूज करना चाहते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूं। तो मुझे इस पर वीडियो बनानी है, नहीं बनानी है, आप यहाँ पे आई बटन है इस पर जाकर पोल को यूज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो पर अगर 100 लाइक्स आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि प्रीमियर प्रो कैसे चलाते हैं अपने फोन के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना ताकि जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ पाए। ऑल्सो बहुत सारी वीडियोस लाता हूँ टेक के ऊपर, जी कैम्स, कस्टम रोम्स, एप्लीकेशन रिव्यूज, फोन रिव्यूज, बहुत सारी चीजें आती है, पूरा टेक चैनल है। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में। पीस आउट, लव यू।